आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वेद विज्ञान। विज्ञान किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और भेद का अर्थ होता है अलग अलग मानना, अलग अलग चिंतन करना, अलग अलग सोचना, अलग अलग रखना और अलग अलग उसके बारे में जो है वो सारा चिंतन करना। तो हमें भेद विज्ञान किसका करना है? जड़ और चेतन का भेद विज्ञान करना है, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना है, क्योंकि ये दोनों रियलिटीज है। जड़ भी रियलिटी है और चेतन भी रियलिटी है। ये पूरा ब्रह्मांड दो मुख्य तत्वों से बना हुआ है, चेतन और जड़। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर चेतन ही एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, वह जानता है और देखता है, उसमें ज्ञान दर्शन होता है। और बिना चेतना के, बिना आत्मा के, बिना कॉन्शियसनेस के जो दूसरा तत्व है वो जड़ तत्व है। जड़ तत्व में ज्ञान दर्शन नहीं होता, संवेदना नहीं होती, फीलिंग नहीं होता, वह तो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, इसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और जो है उत्पाद और व्यय होता है, और उसके साथ साथ में वो बनता है और बिगड़ता है। तो इस बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया में हमारे भौतिक विज्ञानियों ने अब तक 116 तत्व जो है, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभ्रक, बॉडल, टिन इत्यादि जो है वो अनुसंधान कर निकाल लिए हैं। तो ये सारा संसार है, जड़ का संसार है, जो हमारी आँखों के सामने दिखाई देता है। सड़क है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, फ्लाइट है, और हमारा हेलीकॉप्टर है, और रेस कोर्स है, स्टेडियम है, ये सारे जड़ पदार्थ हुआ करते हैं और ये हमारे साधन हैं। ये जो बॉन्डेड चेतना होती, जिस शरीर के अंदर चेतना होती है, शरीर के अंदर जो है जानने देखने की शक्ति नहीं है, चेतना में जानने और देखने की शक्ति है, लेकिन चेतना जिस शरीर के अंदर आ जाती है वह शरीर भी जानने देखने लग जाता, उसकी ताकत से, उसके लब्धि वीर्य से, और वो होता है सारा मिश्र चेतन की वजह से। जो मिश्र चेतन न तो जड़ है और न चेतन है, क्योंकि ये दोनों के साथ में मिला हुआ है, उसका एक किनारा चेतना से, दूसरा किनारा जो है जड़ से मिला हुआ है, जिसको कि हम अज्ञान कहते हैं, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं, इसको कषाय कहा जाता है, इसको पुण्य पाप कहा जाता है, और इसको कर्म रज, कर्म फल जो है, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। और मुख्य हमारे जीवन की कंसंट्रेशन है, जो भी कार्य करना होता है, इस कर्म शरीर को ध्वंस करना, इस कर्म शरीर को साफ करना, इस कर्म शरीर को मिटा देना, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि मन से अमन होना। जब तक हमारा कारमन शरीर रहेगा तभी तक ये मन वचन काया तीनों योग है, क्रिया करते रहेंगे, और जब कारमन शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये मन है वो अमन बन जाएगा। तो हमारी साधना है मन से अमन बनने की साधना है, मन को समाप्त करने की साधना है, योग को समाप्त करने की साधना है, क्योंकि हमारा जो चेतन तत्व है वो मूल स्वरूप के अंदर वह अशरीरी है, वह अक्रिया है, लेकिन बहुत पावरफुल है,
वो जानता है, वो देखता है, वो संवेदना करता है, और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी प्रेजेंस से होता है, उसकी हाजिरी से होता है। अगर शरीर के अंदर चेतन तत्व न हो तो वो मुर्दा है, और मुर्दे में जानने देखने की कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी अर्थता नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे दोनों में से, चेतन और जड़ तत्वों में से, जो मुख्य स्थान है वो चेतन तत्व का है, और साधन के रूप में जड़ तत्व का है। दोनों मिलकर के हमारा ये शरीर बनाते हैं और इस संसार का निर्धारण करते हैं। तो प्रश्न ये है कि भेद विज्ञान हम क्यों करें? भेद विज्ञान इसीलिए किया जाता है कि जो 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 हमारा शाश्वत सुख है वो प्राप्त करने वाला कौन है? शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाली चेतना है, आत्मा है। इसीलिए उसको जो है, जब तक हम अलग नहीं करते हैं, वह शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकती है। जो हमारी मुक्ति की अवस्था होती है, परमानेंट ब्लिस की अवस्था होती है, उसके अंदर शरीर नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, केवल चेतन होता है, और चेतन भी अशरीरी होता है। तो इसीलिए हमें अगर इस जीवन में हम भेद विज्ञान करना सीख जाते हैं तो आने वाले भवों के अंदर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि दोनों जुड़े क्यों? जड़ और चेतन आपस में क्यों जुड़े? तो इनकी क्या व्यवस्था रही है? तो इनकी जो भी व्यवस्था रही है उसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में ये दोनों जुड़े हुए हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि जड़ और चेतन को अलग अलग करना, भेद विज्ञान करना। देखिए, जब भेद विज्ञान किया जाता है तो हमको हे और उपादेय का पता चल जाता है। हमने जड़ और चेतन के बारे में सारा चिंतन किया, उसकी परिभाषा को जाना, उसकी अर्हता को जाना, और जो है उसके लक्षणों को जाना। फिर ये जानना है सारा ज्ञेय कहलाता है, और ज्ञेय के बाद के अंदर हे और उपादेय होता है। हे का मतलब छोड़ने योग्य होता है, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य है। यानी हमारा जो चेतन तत्व ग्रहण करने योग्य है, और जड़ तत्व ये है वो छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य चेतन तत्व क्यों है? कि ये भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जो जड़ तत्व होता है, हर क्षण इस संसार की हर चीज बदलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है जो संचरण करता है वो संसार है, उसके पर्याय बदलते रहते हैं, उत्पाद से व्यय में जाता है, व्यय से उत्पाद के अंदर जाता है, और ये पर्याय बदलते रहते हैं। और पर्याय तो जो है वह चेतन तत्व के भी है, लेकिन वो दोनों जुड़े हुए हैं। वो उपयोग लक्षण हो जीव, जिसका लक्षण उपयोग है उसको जीव कहते हैं। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन। हमारी आत्मा ज्ञान और दर्शन वाली है, कभी ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में चली जाती है, लेकिन मुख्यतः दोनों एक ही है। जाने का अर्थ यह है कि जब तक आप ज्ञान और दर्शन दोनों को नहीं मानेंगे, तब तक उत्पाद और व्यय नहीं होगा, और उत्पाद और व्यय नहीं होगा तो किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होगा, आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए या स्थायी रखने के लिए हमको ज्ञान और दर्शन, जानने वाला, देखने वाला, वो दोनों को अलग अलग रखना होता है। ज्ञाता है, दृष्टा है, दोनों को अलग अलग रखना होता है। ज्ञान और दर्शन जो है इसके लक्षण हो गए हैं। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि हम इसका भेद विज्ञान करें, और जो भेद विज्ञान करता है वो विदेह हो जाता है। विदेह का मतलब होता है कि देह में रहते हुए देह का भान नहीं होना। एक कायोत्सर का भी प्रयोग आता है। कायोत्सर के प्रयोग के अंदर पूरे शरीर के अंदर जो है एक एक कोशिका तक हम चित्त को ले जा करके ये ऑटो सजेशन देते हैं कि पूरा शरीर है वह शिथिल हो जावे, जिसके अंदर कोई अकड़न ना हो, कोई जकड़न ना हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो, कोई स्ट्रेन नहीं हो, कोई भारीपन नहीं हो, सारा वैसा बन जाना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमको जो है शरीर रहते हुए भी शरीर का भान नहीं होता है। ये भेद विज्ञान कहलाता है, विदेह की साधना है।
वेद विज्ञान की साधना है। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे और सीता माता के पिता थे, वो विदेह थे। विदेह का मतलब वो भीतर से अलग अलग रहते थे। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर नाशवान है, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। ये शरीर जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, जबकि मेरी चेतना की मात्र हाजिरी है और मन वचन काया जो कि शरीर के अंग है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। तो ये शरीर के संबंधी हो गया। और चेतना के संबंधी हमारा सनातन सत्य का सूत्र है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मन वचन काया से जो ही आप मुक्त हो गए, आपके भेद विज्ञान हो गया। जो ही आप मन वचन काया से मुक्त रह गए, मुक्त रहने का अर्थ यह है कि मन वचन काया का जो ऑटो मोड से जो भी प्रारब्ध और उदय चल रहा है, जो परिणाम चल रहा है, जो रिजल्ट चल रहा है, उसको चलने दो। वो तो चलता ही रहेगा, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान महावीर को स्वयं को भी 12.5 वर्ष तक उस कर्म शरीर को भोगना पड़ा और उनके कर्म जितने जितने थे सबको भोगने के बाद ही वो वीतराग बने और केवली बने। और हर केवली का यही एक कहानी होती है कि वो सारे कर्मों का भुगतान करके, यानी कि वह व्यवहार जगत की शुद्धि करके फिर निश्चय जगत के अंदर शुद्ध होता। और निश्चय जगत तो शुद्ध ही है, उसमें शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों तो मूल स्वरूप में ही है। वो तो इस मिश्र चेतन, इस अज्ञान, इस कर्म शरीर के कारण जो है वह जो अशुद्ध हो गया, वो बॉन्डेड हो गया। और जो ही उसको अलग कर दिया अपने मूल स्वरूप में, वो तो मुक्ति को चला जाएगा। तो भाई और बहनों, हर क्षण भेद विज्ञान करना सीखे। अब सवाल ये है कि भेद विज्ञान हम कैसे करें, उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग करके बताता हूँ। तो उस प्रयोग के अंदर हम थोड़ा पहले कायोत्सर्ग करेंगे, फिर जो है श्वास का शिथिलीकरण करेंगे और उसके बाद के अंदर दोनों को अलग अलग करने का हम प्रयोग करेंगे। दोनों आंखें कोमलता से बंद और कमर है वो रीढ़ की हड्डी, कमर है वो एंटीना की तरह सीधी रहे। उस आसन में आप आराम से बैठ जावें जिसमें 10-15 मिनट तक बैठ सकते हैं, और अपने दोनों हाथों की हथेलियां ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। अब आप जो अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे दोनों पांव के अंगूठे से होते हुए पैर से, साथल से, कमर से, और उसके बाद में कमर का पिछला भाग, कमर का अगला भाग, पेट, दोनों हाथ, गर्दन और फिर सिर का पूरे परिवार, पूरे शरीर के अंदर इस चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। और अनुभव कीजिए पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद का खजाना, आनंद का झरिया, आनंद का झरना बह रहा है। चारों तरफ आनंद आनंद अनुभव कीजिए। मुख्य काम अनुभूति का है। आप सांस शिथिल, शरीर शिथिल, आप अब अनुभव कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ। शरीर अलग है, ये शरीर है वो कार्मण शरीर से मिला है, तपता है कार्मण शरीर। अनुभव कीजिए कार्मण शरीर तप रहा है, सारी गर्मी कार्मण शरीर को मिल रही है, कार्मण शरीर शिथिल हो रहा है, कर्म झड़ रहे हैं, कर्म झड़ रहे हैं, मेरी आत्मा उज्जवल हो रही है, मेरी आत्मा उज्जवल हो रही है, कर्मों की निद्रा हो रही है, कर्म झड़ रहे हैं, आत्मा उज्जवल हो रही है, आत्मा उज्जवल हो रही है। हम देखें कि किस तरीके से जो ये भेद विज्ञान हो रहा है। भेद विज्ञान का अर्थ होता है शाश्वत सुख की नींव लगाना। तो हम भेद विज्ञान प्रतिदिन करें, दोनों को अलग अलग महसूस करें। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। जब हम भेद विज्ञान करते रहेंगे
बार बार पुनः पुनः जागरण में रखेंगे तो वो चीज हृदयंगम हो जाएगी, आत्मसात हो जाएगी। हमें धीरे धीरे आत्मसात हो रहा है। कोई भी रात को 12 बजे उठावे तो हम कहेंगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूँ, मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। ये जो हमारी शुद्ध आत्मा की प्रक्रिया है, ये सतत जागरूकता चलती रहनी चाहिए। ये जो दीपक की लौ है, ये जो हमारी जागृति है, हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि जड़ है मेरा, साधन है, साथ नहीं चलने वाला, मेरे साथ हर क्षण रहने वाली मेरी शुद्ध आत्मा है, जो मुक्ति में भी मेरे साथ रहेगी, वो मैं हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। भेद विज्ञान कीजिए कि मूल स्वरूप की जो आत्मा है उसको मुझे भूलना नहीं है, हर क्षण उसके पाले में रहना है, हर क्षण उसकी सेवा करनी है, हर क्षण उससे बात करना है, हर क्षण उसको रिझाना है और हर क्षण आत्मामय होना है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए तो प्रभु ने, प्रभु की हाजिरी से ये जो है वो प्रयोग हुआ तो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपके हाथ की हथेलियों पर आ गया। उस आशीर्वाद को अपने सिर पर लगाइए कि प्रभु का आशीर्वाद है, इसको 3 बार सिर पर लगाइए। तो भाई और बहनों, हमने जो ये प्रयोग किया, ये भेद विज्ञान का प्रयोग है, इसको हम सतत करते रहेंगे तो हमको महसूस होने लग जाएगा, हमको अनुभव होने लग जाएगा, हमको एहसास होने लग जाएगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और ध्यान के अंदर जब एकाग्र होंगे और शरीर का जो है कहना चाहिए कायोत्सर्ग होगा, सांस का शिथिल का होगा, तो आपको धीरे धीरे अलग लगने लग जाएगा। जब आप श्वास के साथ में मैं, और जो लेटते समय मैं और श्वास को छोड़ते समय शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा, एक चिंतन में लाइए, जब आप ध्यान करें तो दो मुख्य जो घटक है हमारे सनातन सत्य के, दो मुख्य जो धाराएं हैं कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और इसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह सब व्यवस्थित है। जितना भी हम पीछे से लेकर के आए हैं वह जड़ है, विनाशी है, जीवन भर चलता रहेगा और उसकी मालिक कुदरत है। कुदरत क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो मैं जो है कुदरत के अधीन हूँ, इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। करता तो कुदरत है, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। हमको जो भेद विज्ञान के साथ में एक बहुत बड़ा काम जो है वो जाना चाहिए, और भेद विज्ञान उसी के होता है जो अपने आप को अकर्ता समझता है, और अकर्ता वही समझता है व्यक्ति जिसके ऊपर ज्ञानी की कृपा हो जाती है, जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है और जिसको जो है ज्ञान मिल जाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु या ज्ञानी पुरुष हमारे पुण्योदय से हमको ज्ञान दे करके हमारे भीतर सतत जो है वह ये एक बात बिठा देते हैं हमारे अवचेतन मन में कि तू तो शुद्ध आत्मा है, तू तो ज्ञाता है, तू तो दृष्टा है, तू तो जानने वाला, देखने वाला, तू अलग है, शरीर अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के जो पॉजेज डाल दिए हैं, उसकी जो लाइबिलिटी ले ली है, उसका भुगतान करने के लिए, पर भुगतान करना ही पड़ेगा। दुनिया के अंदर चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, उसको तो अपने अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। कर्मों के भुगतान के बिना छुट्टी नहीं है, तो हमारा कर्मों का भुगतान चलता रहता है। और साथ साथ के अंदर जो है हम अकर्ता बन करके भेद विज्ञान कर लेते हैं। भेद विज्ञान एक सम्यक दर्शन है, भेद विज्ञान हमारे मुक्ति की नींव है। और जब भेद विज्ञान की टेक्निक हमको आ जाती है तो हमें धर्म का सच्चा मर्म मालूम पड़ जाता है, और भेद विज्ञान करने से हमारे कोई नए कॉजेज नहीं कर पड़ते हैं, क्योंकि हम शुद्ध भावों के अंदर आ जाते हैं, हम अकर्ता बन जाते हैं, हम भेद विज्ञान करते हैं। और ज्ञानी पुरुष जो है हमको जो बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर बिठा देते हैं, आत्मपद मिल गया, अकर्ता हो गए, लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमको परमात्मा बनना है। तो फिर ये भेद विज्ञान है एक दृष्टि विज्ञान का रूप ले लेता है, यानी हम आत्म तत्व को जानने लग जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन और करने लग जाते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन
और स्वनिरीक्षण, स्वपरीक्षण और स्वयं के बारे में जानकारी करने में लग जाते हैं और पूरा जीवन इसी में लगाते हैं। इसको रियल पुरुषार्थ कहा जाता है कि जो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इसके अतिरिक्त शेष ज्ञान है वह ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और शेष सारा ज्ञान है, यानी शेष से वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। हम व्यवहार जगत के अंदर जो है उस पुरुषार्थ को जो है हम इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस व्यवहार जगत के अंदर जीते हैं तो हम कहेंगे क्या हम बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के रह सकते? हम मानते हैं कि बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, तो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा और कर्म तो साथ में लेके आया है। लेकिन सवाल ये है कि कर्म हमको जीवन भर करना है तो हम भगवान कृष्ण के जो है सलाह के अनुसार निष्काम कर्म करें, यानी फल की इच्छा नहीं करें। ये फल की इच्छा नहीं करने का जो कर्म है, यही भेद विज्ञान है और यही हमारा ज्ञान है और इसी से हमारे अज्ञान का नाश होता है। ये अलग अलग पर्यायवाची अलग अलग स्वरूप है, सबका भावार्थ एक ही है कि हमें जड़ और चेतन के अंतर को जानना है और जड़ हमारा जो हितैषी है, हमारा साधन है, और चेतन है हमारा साध्य है। तो हमें साध्य के स्वरूप को प्राप्त करना है, यानी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ क्या हो गया कि आपके साथ जो शरीर जुड़ा हुआ है इसको अलग कर दो। इसको अलग करने का अर्थ होता है कि भेद विज्ञान करो, दोनों को अलग अलग जानो, पहले दोनों को अलग अलग पहचानो। जब जानना और पहचानना लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो कॉजल बॉडी है, मुख्य कारण यह है कि जब तक कॉजल बॉडी शून्य नहीं हो जाती, जब तक कि कारण जो है वह पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, तब इफेक्ट कहाँ से आएगा? तो कारण के बाद ही निवारण होता है। तो हमको कारण स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कॉजल बॉडी को समाप्त करना है, अज्ञान को समाप्त करना है, तब हमारा ये भेद विज्ञान उसमें सहायक होता है, भेद विज्ञान उसमें मदद करता है। भेद विज्ञान एक प्रयोग है, भेद विज्ञान एक एक्शन है जो हमको किया जाना चाहिए। और अगर हम भेद विज्ञान की टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, कठिन नहीं है, यह जो है एक मात्र एहसास करने की चीज़ है कि ये तो अलग हो गया, मैं तो अलग हो गया। शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं होना चाहिए, ये अनुभूति जब हो जाती है तो ये उससे हमारी कॉजल बॉडी है वो फास्ट रूप से जो है नलीफाई होती है, साफ होती है, उसकी धुलाई होती है। कर्म जो है ये निर्जरा होती है और निर्जरा को भगवान ने धर्म बताया, क्योंकि आत्मा से कर्म अलग होंगे जभी आत्मा शुद्ध फॉर्म में आएगी, और इसी कारण से भगवान ने उसको धर्म की संज्ञा दी है। निर्जरा को निर्जरा जो है, निर्जरा मीन्स डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी और फ्रॉम दी सोल। जब ये आंशिक निर्जरा धीरे धीरे संपूर्ण निर्जरा के अंदर बदल जाएगी तब भेद विज्ञान पूरा हो जाएगा, और जब भेद विज्ञान प्रारंभ होता है तब हमारा जो है वो नींव लग जाती है शाश्वत सुख की, और अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है तो बाद के अंदर ही संपूर्ण रूप से भेद विज्ञान हो जाता है। इसका मतलब संपूर्ण निर्जरा, संपूर्ण निर्जरा मतलब मुक्ति की अवस्था। तो भाई और बहनों, आज के एपिसोड को जो है हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, ओपन टू दी पब्लिक करते हैं कि उसके अंदर उनका क्या सुझाव है, उनका मतलब क्या सोचना है, चिंतन है, और उसके बारे में क्या प्रश्न है उनका। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जो व्यक्ति भेद विज्ञान जानता है, करता है, तो निश्चित तौर पे वह धीरे धीरे जो है दोनों को अलग कर पाता है, क्योंकि ये प्रयोग एक साधना है और इस साधना में सब चीज समाहित हो जाती है। भगवान ने तब के 12 भेद बताए, वर्गीकरण का तो सैकड़ों सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन भेद विज्ञान एक बहुत बड़ा तप है। भेद विज्ञान दोनों को अलग करने की साधना है, और वास्तव में जो मुक्ति को जाता है वो तो हमारा परमात्मा तत्व बनता है। जब हमारा आत्म तत्व है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, तभी मुक्ति होती है। मुक्ति कब होती है कि वो कषाय समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है। तो हमें राग द्वेष को हटाना है, उसको काटना है, संपूर्ण नलीफाई करना है,
इसके लिए हम ये सनातन सत्य कार्यक्रम का सहारा लेते हैं, जो कि कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति मनुष्य को हो जावे, उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के उसको राइट बिलीफ मिल जावे। और जिसको राइट बिलीफ मिली है, इसका अर्थ यह है उसको सम्यक दर्शन मिला, और जिसको सम्यक दर्शन मिल गया, इसका अर्थ यह है वो जीवन में कभी न कभी मुक्ति की अवस्था को अवश्य पाएगा। शाश्वत सुख की नींव लग जाती है, वही हम लगाना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो बहुत सुंदर विषय, इसको समस्त धार्मिक ग्रंथों ने एक बड़ी साधना के रूप में लिया गया है, और ये उच्च साधना है। ये साधना जो है पहुंचे हुए साधकों के लिए ही है, और जब वो साधक धीरे धीरे नीचे से जड़ और चेतन को समझते समझते और उसको उच्च स्थान पर पहुंचते हैं, उच्च स्थान पर पहुंच करके दोनों को अलग करने की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर गोल्ड ओर निकाली जाती है, तो उस ओर के साथ के अंदर कई मेटल की अशुद्धि होती है और साथ में जो रेत भी होती है, इनको अलग करना, ये जिस तरीके से अलग किया जाता है, जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा को अलग अलग महसूस करना भेद विज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और साधना के रूप में उनको भेद विज्ञान मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।